हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट लेसन सिक्स विच इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, चैप्टर सिक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। चैप्टर सिक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। इन दिस चैप्टर we will study about some complicated circuit in which we can find out flowing current and potential difference across the ends of a conductor by using Kirchhoff's law। कि हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है और किसी डिवाइस या किसी अप्लायंस या किसी रजिस्टर के एंड्स के ऊपर कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ये हम उन लॉज से इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पहले हम कुछ टर्म्स ले रहे हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे, जिसको हम नोड या जंक्शन कहते हैं। नोड या जंक्शन, जंक्शन या नोड। तो नोड या जंक्शन क्या है वो देखिए। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जहां तीन या तीन से अधिक, थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेज आर ज्वाइंट टुगेदर। ब्रांचेज जो होती हैं वो ज्वाइंट होती हैं, उसे हम, उस पॉइंट को हम जंक्शन या नोड कहते हैं। तो द पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट एट विच, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, एट विच थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेज आर ज्वाइंट, ज्वाइंट टूगेदर इज कॉल्ड जंक्शन और नॉट, इज कॉल्ड जंक्शन और नॉट। क्लियर? जहां तीन या तीन से अधिक ब्रांचेज आकर के मिले, उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम नोड या जंक्शन कहते हैं। नाउ व्हाट इज ब्रांच? कि द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच ए कांस्टेंट करंट फ्लोज, उसे हम ब्रांच कहते हैं। तो किसी इलेक्ट्रिक नेटवर्क का वह पार्ट, द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क इन विच फ्लोइंग करंट टू बी कॉन्स्टेंट, फ्लोइंग करंट टू बी कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड ब्रांच। द सेकेंड इज ब्रांच, द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, नेटवर्क इन विच फ्लोइंग करंट, करंट टू बी सेम, सेम इज कॉल्ड ब्रांच। क्लियर? तो फिर ये आपके पास में जो है कुछ वर्ड हो गए, ब्रांच है, जंक्शन है। एंड नेक्स्ट वी टेक अदर टर्म, अनदर टर्म विच इज लूप। तो लूप क्या है वो देखिए। लूप, ठीक। तो लूप को कैसे डिफाइन करेंगे? तो
तो द क्लोज सर्किट कंसिस्ट द क्लोज्ड सर्किट कंसिस्ट रेजिस्टर्स रेजिस्टर्स इसमें रेजिस्टर्स हो और इलेक्ट्रिकल जो है वो एलिमेंट्स हो. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर हो तो द क्लोज सर्किट कंसिस्ट रेजिस्टर्स रेजिस्टर्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एटसेट्रा इज कॉल्ड लूप. तो द क्लोज सर्किट कंसिस्ट रजिस्टर्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एटसेट्रा इज कॉल्ड लूप. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे बैटरी है, ठीक है, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं, इज कॉल्ड लूप. अब इन तीनों वर्ड्स को हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज जंक्शन, ब्रांच और लूप. तो देखिएगा नेक्स्ट डेफिनेशन, अगले वाले पार्ट पर हम आते हैं. Suppose this is an electric circuit now we take this is plus this is minus flowing current I this will be I1 this will be I2 this is I again there will be I this is R1 this is R2 the point at which three or more branches are joined together ye point will be node or junction. तो मैंने जो टर्म डिफाइन की थी उनको मैं यहां फिगर के द्वारा एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखिए इसे हम जंक्शन कहते हैं और ये हमारे पास में ब्रांच है जिसमें एक कंस्टेंट करंट फ्लो हो रही है. ए भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है. तो ये हो गई हमारे पास में ब्रांच और ये आपके पास में हो गया एक लूप. तो ये भी एक लूप क्लोज्ड सर्किट जिसमें रजिस्टर हो, अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो और ये भी एक लूप. तो तीनों चीजें पता लग गई. ये तो हो गई हमारे पास में ब्रांचेज और ये हो गई हमारे पास में जो है लूप. ये भी लूप, ये भी लूप और ये जहां तीन ब्रांच आकर के मिले उसको हम नोड या जंक्शन कहते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इन तीनों टर्म्स को सब जो है ये एक आपके पास में लूप है. तो फिर ये तीन वर्ड हो गए लूप, जंक्शन और ब्रांच. ये ब्रांच है, ये ब्रांच, ये ब्रांच. नाउ वी टेक नेक्स्ट आर्टिकल आफ्टर दीज टर्म्स किरचॉफ्स लॉ. Kirchhoff's law. तो Kirchhoff's law क्या है? किसी complicated circuit को analyze करने के लिए हम जो है Kirchhoff's law का use करते हैं. ठीक है, तो फिर ये laws क्या हैं? इनके बारे में हम study करेंगे. तो to analyze any electrical circuit या फिर किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक किसी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर किसी पार्ट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितना जो है वो ईएमएफ है, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं. तो किरचॉफ्स लॉ के अंदर दो लॉज हैं. नंबर फर्स्ट वो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इसे हम जो है वो जंक्शन लॉ भी कहते हैं या नोड लॉ भी कहते हैं. जंक्शन लॉ
क्या कहता है कि चोर ससला? देखिए यहां हम एक जंक्शन ले रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं, एक नोड दे रहे हैं जहां कुछ करंट्स आकर के मिलती हैं। यहां पर मैं ये फिगर बना रहा हूं, आप ध्यान दें, इस पॉइंट के ऊपर ये कुछ करंट्स आ रहे हैं, दिस इज आई वन, दिस इज आई टू, और ये करंट कुछ यहां से जा रही है, ये करंट जा रही है। सपोज दिस इज आई थ्री, दिस इज आई फोर, और दिस इज ए जंक्शन। तो ये लॉ क्या कहता है कि किसी जंक्शन के ऊपर जितनी करंट्स आती है उतनी ही करंट जाती है। इसका मतलब आने वाले जो करंट्स हैं आई वन प्लस आई टू, जाने वाली करंट हो गई आई थ्री प्लस आई फोर। तो द क्वांटिटी ऑफ करंट कमिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट फ्रॉम दैट पॉइंट। जितनी करंट आ रही है उतनी करंट यहां से जा रही है, क्लियर? बट नाउ यू कैन राइट एज आई वन प्लस आई टू प्लस माइनस आई थ्री प्लस माइनस आई फोर, दिस इज इक्वल टू जीरो। ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन दीज करंट्स आर एडेड एलजेब्रिकली, दीज करंट्स आर एडेड विद देयर साइंस, साइन आई वन एंड आई टू आर पॉजिटिव, आई थ्री एंड आई फोर आर नेगेटिव, और ये एड हो रही है विद साइन एड हो रही है, तो इसको एलजेब्रिक सम कहेंगे और समेशन आई इक्वल जीरो। ये आपके पास में किरचॉफ्स लॉ हो गया। तो अब हम क्या कहें कि किसी जंक्शन पे आने वाली जो करंट्स हैं वो जंक्शन से जाने वाली करंट्स की क्वांटिटी के इक्वल होती हैं। एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट्स का किसी पॉइंट के ऊपर वो जो है हमारे पास में जीरो होता है, ठीक है? तो फिर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के एफ एल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एल्जेब्रिक, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। ये एल्जेब्रिक सम हो रहा है किसके ऊपर? इस जंक्शन के ऊपर। वो एल्जेब्रिक सम क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है। तो ये आपके पास में जो है वो फर्स्ट लॉ हो गया कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। क्लियर? तो नाउ यू कैन नॉट दिस स्टेटमेंट फॉर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, एंड आफ्टर इट आपको ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बनाने के बाद में मैथमेटिकली ये बात लिख देनी है। तो पहले आप ये स्टेटमेंट लिखिए, फिर फिगर बनाइए, और फिगर बनाने के बाद में ये आप मैथमेटिकली इस लॉ को लिख दीजिए। क्लियर? नाउ वी टेक सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस लॉ। तो व्हाट आर इंपॉर्टेंट फैक्ट? देखिए जितना करंट यहां आ रहा है या जितना चार्ज यहां पहुंच रहा है उतना ही चार्ज यहां से जा रहा है। क्यों? चार्ज रिमेंस कंजर्व, चार्ज कंजर्व रहता है, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन
कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फिर ये पता लग गया कि किस पर बेस्ड है। तो फिर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लेंगे। तो अब यहां से हम इसको रिमूव कर रहे हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये पहला पॉइंट पूछा भी जा सकता है कि किस पर बेस्ड है। तो आप इसे लिख लीजिएगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड, इन दिस लॉ वी सम करंट्स एल्जेब्रिकली, सम ऑल द करंट्स मींस करंट्स जो है वो ऐड होती हैं विद साइन। तो विद साइन जब करंट ऐड होती हैं तो देयर आर सम करंट्स पॉजिटिव एंड देयर आर सम करंट्स इज नेगेटिव। तो फिर कौन सी करंट को हम पॉजिटिव लें और कौन सी को हम नेगेटिव लें? तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जंक्शन पर आने वाली करंट, तो फिर जंक्शन पे आने वाली करंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। तो दिस विल बी ए साइन कन्वेंशन फॉर करंट। तो फिर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, देखिए, द करंट्स reach the incoming current at a junction is taken as positive but outgoing current from a junction is taken as negative। ये दो फैक्ट हम यहां किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के लिए काम में ले सकते हैं। अब आप इन दोनों को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद भी रखोगे और ये नोट भी करोगे। नाउ वी टेक एन एग्जांपल विच इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जो बोर्ड में पूछा भी गया है। इस तरह का एक एग्जांपल मैं आपको यहां दे रहा हूं। सपोज there is a branch in which current is coming, this is 2.5 ampere, there is 1 ampere and outgoing current is 0.5 ampere, then what will be current in this branch? So you have to find out I, how many current will flow in this section, in this branch. So we consider this is I1, this is I2, so there will be I1 plus I2, जितनी करंट आएगी उतनी जाएगी। This current is I3, 0.5 ampere. Suppose this current is I4, which is I, we have to find out. Now, by using Kirchhoff's first law, by using KFL, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, I1 प्लस I2, आने वाली करंट फॉर दिस जंक्शन
Suppose this is point B, this point is A. So by using KFL at point B, So I1 plus I2 incoming currents and outgoing current is I3 plus I4. But what are values of these currents? I1, this is equal to 2.5 plus I2, this is 1, I3, this is 0.5 plus I4, this is I. So we can write as I equal 2.5 plus 1 minus 0.5. So there will be I equal 3.5 minus 0.5. So I equal 3 ampere. So by using Kirchhoff's first law, you can calculate value of current I. ये I कितनी flow होगी? तो हमने Kirchhoff के first law से ये flowing current मालूम कर ली. तो ये अपने पास में base है. तो now we take second law, Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law, इसे हम loop law के नाम से भी जानते हैं. Second, Kirchhoff's second law. दूसरा नाम इसका है loop law. Loop law. तो what is this law? ये law क्या है? देखिए, we take an example. नोट नहीं करना है, समझना है खाली. दिस इज ए रजिस्टर, दिस इज ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड फ्लोइंग करंट इज आई. सो बाय यूजिंग ओम्स लॉ यू कैन राइट ई इक्वल आई आर. ईएमएफ, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, वी कैन राइट ई प्लस माइनस आई आर इक्वल जीरो. मैथमेटिकली यू कैन राइट एच. Now, suppose in this is a simple circuit, but in this circuit there are two batteries, EMF E1, EMF E2, and there are also two resistors. Suppose this is R1, this is R2. So, how can we write in this situation? Kirchhoff ने क्या बताया कि इसे आप समेशन कर दीजिए, इन दोनों साइड्स का समेशन कर दीजिए. यहां समेशन करोगे तो जीरो ही रहेगा. तो ये किसका समेशन हुआ या किसका एल्जेब्रिक सम हुआ? ईएमएफ. ये किसका समेशन हुआ? ये समेशन हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का. या एल्जेब्रिक सम किसका हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस का. बट एल्जेब्रिकली यदि हम इनका समेशन करेंगे तो फिर यहां हमारे पास टू ऑप्शन है कि ये समेशन या एल्जेब्रिक सम हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है कि ये नेगेटिव. देयर विल बी टू ऑप्शंस. क्या ये एल्जेब्रिक सम हो सकता है पॉजिटिव हो या हो सकता है नेगेटिव हो? लेकिन इनका जब हम सम करेंगे इन दोनों का, वो तो जीरो ही आएगा. ठीक है, इट मींस समेशन ई कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. समेशन आई आर विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. So, this state can be written as, can be written in general form as summation E plus summation IR equal zero. यहां भी दो possibility हैं, ये positive भी हो सकता है, negative भी. यहां भी दो possibility हैं, क्या positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है. तो फिर मैं यहां पर ये minus हटा दिया, मैंने इसको general way में इस बात को कह दिया. लेकिन Kirchhoff का सेकेंड लॉ क्या बताएगा? देखिए कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ऑल द सोर्सेस एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्या रेजिस्टर्स, वो क्या होता है? वो जीरो होता है. तो फिर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे वो देखिएगा. According to this principle, this law,
according to this law, the algebraic sum of all the EMFs of sources, according to this law, the algebraic sum of all the EMFs of sources and potential differences across the ends of resistors in a closed circuit remains zero. तो फिर से हम देखें, the algebraic sum of all the EMFs of sources and potential differences across the ends of resistors in a closed circuit remains zero. ठीक है, किस किस का? Algebraic sum of EMF of sources and potential differences across the ends of resistors in a closed circuit remains zero. So we can write as summation E plus summation IR equal zero. ये हमारे पास में जो है वो सेकेंड लॉ बन गया. तो फिर ओम्स लॉ पर ही हम समेशन लगा देते हैं, तो समेशन लगाने से ये किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ बन जाता है. लेकिन यहां भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो देखने हैं. वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होंगे? वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये होंगे कि ईएमएफ जो है वो किससे रिलेटेड है? वो वर्क और एनर्जी से रिलेटेड. तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी सोर्स के में जो है, सोर्स के द्वारा जितनी एनर्जी दी जाएगी तो उसमें लगी जो कंपोनेंट है उनको उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितनी एनर्जी बैटरी या सोर्स से दी जाएगी. तो फिर पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से क्या आएगा कि किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन. किस पर बेस्ड है वो? एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है. कैसे? देखिए, आपके पास सपोज कीजिए कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक सर्किट है. यहां हमने इस पर कितना पोटेंशियल लगाया है, या पोटेंशियल कितना है इसका बैटरी का? E. कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई. इसका रेजिस्टेंस कितना है? R. तो ओम्स लॉ से क्या लिखेंगे? E इक्वल आई आर. तो जितनी एनर्जी बैटरी ने दी उतनी एनर्जी हमें किसके अक्रॉस मिल रही है? इस रेजिस्टर के अक्रॉस मिल रही है. तो फिर हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड लॉ है वो किसको इंडिकेट करता है? वो एनर्जी कंजर्वेशन को जो है वो इंडिकेट करता है. तो फिर यहां अगले वाली बात हमारे पास में भी ये भी आएगी कि हम जब एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं किसका? ईएमएफ का. किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का. इसका मतलब इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, कुछ निगेटिव वैल्यूज होंगी. यहां भी कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ निगेटिव वैल्यूज होंगी. तो फिर हम किनको पॉजिटिव और किनको निगेटिव मानेंगे? तो जैसे हमने एक साइन कन्वेंशन चूज किया था किरचॉफ फर्स्ट लॉ में कि किसी जंक्शन पे आने वाली करंट क्या पॉजिटिव और जंक्शन से जाने वाली करंट निगेटिव थी, तो वैसे ही हमारे पास यहां भी हमें एक साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा कि कौन सा ईएमएफ पॉजिटिव होगा और कौन सा जो है वो निगेटिव होगा. तो इसके लिए हम एक साइन कन्वेंशन भी जो है वो चुनेंगे.
तो ये कल लेक्चर में ये बातें आपको बताई जाएंगी, इनसे रिलेटेड को क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ से। आज का लेक्चर बस इतना ही, थैंक यू।